Son Goku! ऑलराइट तो कैसे हो मेरे सुपर सैयन दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सब सुरक्षित हो गए यार। तो इस वीडियो में हम लोग यूज करने वाले नए वाले ब्रॉली को, जो आपको पता है कि फ्री टू प्ले यूनिट है और आपको आज ये ग्रिंड करके मिल जाएगा पीवीपी और को ओप के थ्रू। तो रोज अगर पीवीपी करते हुए एक्सट्रीम बैटल वाला, तो आपको रोज 50-50 करके ये मिलेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये पीवीपी के थ्रू भी मिलेगा। तो इसके कुछ स्टैट्स देख रहे हो, 2-स्टार स्टैट्स हैं, बहुत ही डिसेंट है। और जो स्ट्राइक डिफेंस और ब्लास्ट डिफेंस है 129 के 127 के, थोड़ा लो है बट फ्री टू प्ले यूनिट है, तो जैसे जैसे स्टार करेंगे ये बेटर हो जाएगा। 2 स्ट्राइक कार्ड होल्ड करता है अपने साथ, क्योंकि ये मेले टाइप यूनिट है। मुझे की रिस्टोर बहुत पसंद आई, 2500 के 4 के आसपास इसकी वो की रिस्टोर स्पीड है, तो ये काफी मुझे अच्छा लगा फॉर अ मेले टाइप यूनिट। और जैसे कि आप बता सकते हो कि ये 14 स्टार जब हो जाएगा, तो आप देख रहे हो 253 के स्ट्राइक अटैक, ब्लास्ट अटैक 239 के स्ट्राइक और ब्लास्ट डिफेंस। जैसे मैंने बताया था कि 14 स्टार होने के बाद ही अच्छा दिखेगा आपको। और जो सबसे मेन था वहां पर क्रिटिकल देखा था आपने, 5000 के आसपास था। सब कुछ आपका मतलब कॉपी एंड पेस्ट वाला सिस्टम है, ग्रीन कार्ड से लेके ब्लू कार्ड सब कुछ पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट वो पुराने वाले ब्रॉली का जो ग्रीन वाला है, जो आपको जानकारी मिल जाएगी जिनका यूएसटीआर में। और इसका मेन भी आप देख रहे हो कि मतलब रिस्टोर करता है 25% अपनी हेल्थ करता है, और जो एनिमीज है उनके कार्ड, जो कार्ड होते हैं उनके +10 कर देता है। जी एबिलिटी सुपर साइंस के लिए बना है, अगर आप उसको मूवीज यूज कर रहे हो तो मैं आपको मना कर रहा हूं कि मत करना, स्पेशली मेड फॉर सुपर साइंस। क्योंकि जो क्रिटिकल देखा था आपने 5000 था, तो उसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट भी मिले हैं, तो आप सुपर साइंस पे ही रन करो, मैं तो यही कहूंगा। जो इसके इस वाले पैसे में कोई अच्छी बात मुझे दिखी, ये दिखी कि यार जब भी ये बैटल में आता है तो एक स्ट्राइक कार्ड लाता है। और दूसरे वाले पैसे में कुछ इंप्रेसिव दिखा तो मुझे ये दिखा कि इसके पास कार्ड ड्रॉ है बट 60 सेकेंड्स के लिए है। मतलब बैटल जब स्टार्ट होता है तो वहां से लेकर 60 सेकेंड्स के लिए केवल ये कार्ड ड्रॉ मिलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि यार खत्म हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फिलहाल सुपर साइंस पे ही रन कर रहा हूँ, ये मेरी टीम आप देख रहे हो, तो इसको हमें सुपर साइंस पर रन करेंगे। देखते हैं कि नया होली ट्रिनिटी बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो लेट्स गो फॉर द पीवीपी मैचेस। और अगर चैनल पर पहली बार आए गाइस, तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, डू सपोर्ट इंडियन डीबीएल कम्युनिटी, प्लीज लाइक एंड शेयर। और लाइक तो देख रहे हो कि पहला मैच आ चुका है, और पहला मैच फ्यूचर के खिलाफ होने वाला है। तो अभी मैं थोड़ा लो रैंक्स पे भी हूँ, देख रहे हो कि अभी रैंक 47 पर ही हूँ, क्योंकि मैंने खेला नहीं है इस सीजन ज़्यादा पीवीपी। तो जब तक मैं आई थिंक पीवीपी खेलूंगा, ये 14 स्टार्ट मतलब कर ही लूंगा, एटलीस्ट 7-8 स्टार्ट तो कर ही लूंगा, तो मजा एक बार और आएगा। मैं एक बार और इसकी वीडियो डालूंगा और देखेंगे कि हायर रैंक पीवीपी में ये कितना अच्छा करता है इवन 2 स्टार। तो यहाँ पर मैं इसको देख लिया टैकल करते हुए, अब इसको कॉम्बो तो नहीं कर सकते थे, बट ओ यहाँ यार तुरंत वो ग्रीन कार्ड के लिए चला गया। मुझे लगा यार स्ट्राइक या ब्लास्ट के लिए भी जाता तो मतलब हम वहाँ इसको कैच कर लेते। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम काफ़ी सही पोजीशन पर हैं। तो उसने तुरंत अपने येल्लोज में चला गया यार। आई थिंक वेजिटो उसका भी मतलब वेजिटो अभी काफ़ी अच्छा डैमेज करता, बट पता नहीं ओके दिक्कत नहीं है। तो इसने सर ओके यहाँ पर हम डॉच कर लिया हमें, ओके नाइस सही है। दूसरा वाला साइड स्टेप के लिए नहीं गया, तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। ओके कम ऑन टैकल कर भाई, टैकल कर ओके नाइस। तो इस बार फिर दोबारा से टैकल किया, पर इस बार हम रेडी थे कि इस बार ये टैकल करेगा तो हम तुरंत इसको स्ट्राइक कर करेंगे। ओके नाइस नाइस नाइस। तो हम यहाँ पर शोकेस वाले यूनिट को नहीं ला पा रहे, ओके अब लाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी हमारा वो बन गया था, मिस हो गया था कैलकुलेट। ओके तो इसको मैं देखता हूँ कि स्विच करता है कि नहीं करता है। ओके इसने स्विच किया, जो कि बहुत ही सही है, अगर ये स्विच नहीं करता तो इसका काम खत्म था। ओके ओके तो यार ये वाला गोजीटा तो भाई ओपी ही है, मैं तुरंत जाऊँगा ब्रॉली में, तुरंत डबल स्विच करूँगा, अगर देखता हूँ उसको कहीं ब्लू कार्ड में कैच कर लूँ तो। भाई यहाँ पर थोड़ा सा लैग हो गया, मुझे पता ही नहीं चला बंदे ने कब स्ट्राइक कार्ड किया, क्या हुआ मतलब मुझे थोड़ा सा वहाँ देख नहीं पाया, और यहाँ पर वो स्विच हो गया और भाई साहब फिर से मैं कैप्चर हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है यार, आप जिस यूनिट का शोकेस करते हो थोड़ा सा उसके साथ नाइंसाफी हो जाती है। अब ये फिर से मेरे साथ येल्लो सामने यूनिट आ गया, ओके अगर वहाँ कैच कर लेते तो देखते हैं क्रिट मिलता तो कितना डैमेज कर सकता था। तो यहाँ पर अब मुझे मिला है मौका,
तो सही डैमेज है यार, अगर मैं बोलूँ तो सही डैमेज है, क्योंकि अगेंस्ट येल्लो है और इसके पास उतने कुछ सन फैमिली का वैसे बफ है इसके पास जैसा कि आपने देखा था, लेकिन फिर भी कैसे था उसने चेंज कर दिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही चीज़ अच्छी है, क्योंकि हम तुरंत जाएंगे राइजिंग रश के लिए और इसको यहाँ पर बस गेस ना कर ले, बाकी सब कुछ ठीक है। देखते हैं, ओके नाइस नाइस। तो एक यूनिट उसका हमने डाउन कर दिया, ये बहुत ही सही है। तो यार दो स्टार यूनिट है, आप बहुत ही ज़्यादा कुछ उम्मीद लगा के मत बैठना अभी कि मतलब बहुत ओपी होगा, जब तक यार एक बार इसको मतलब अच्छे स्टार पे इसको हम नहीं बढ़ा लेते हैं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैं इसको ज़रूर कहूँगा हाई स्टार पे, और यहाँ पर मैंने इसको फिर से कैच कर लिया, तो मैं यहाँ पर अपने जाऊँगा गोजीरा के लिए कि फटाफट इसको फिनिश करता हूँ मैं। और अब बचा है हमारा ये कैल गोहान, इसके पास अभी भी कलर नोटिफिकेशन है, बट आई थिंक अब मेरा ये गोजीटा इसको फिनिश कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। ओके नाइस, तो ये मैच हम जीत गए गाइस। अगर वीडियो पसंद आती है भाई की तो प्लीज़ अ लाइक और सपोर्ट इंडियन डीवीएल कम्युनिटी, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो हम बात करते हैं यार इस ब्रॉली की, तो मैं यही कहूँगा अभी तो ठीक है, एक बार स्टार्टअप करने दो, देखते हैं कि स्टार्टअप करने के बाद इसका जो भाई वो क्रिटिकल जो दिया उन्होंने 5000 वो कैसा होता है। और लाइट तो सेकेंड मैच आ चुका है, सेकेंड मैच आप देख रहे हो फ्यूजन्स अगेंस्ट मैच होने वाला है। तो भाई के पास काफ़ी अच्छे अच्छे नए वाले स्पार्किंग है, 3 स्टार पे इसका गोजीटा हो गया ग्रीन वाला, 7 स्टार कर रखा है अपने पर्पल वेजिटो को नए वाले को, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, देखते हैं यार कि ये क्या क्या करता है इस टीम के खिलाफ। ओके हल्का हल्का सा लैग जरूर है मैच में, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। ओके ओके नाइस नाइस, तो यहाँ पर हम इसको कैच नहीं कर पाए। ओके 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 भाई साहब, बहुत ही सही बंदे के पास पेशेंस है, बहुत ही सही उसने खेला यहाँ पर पेशेंस से, मैंने उसने उसको पक्का में कैच कर लिया, तो ये काफ़ी सही है। और लाइट ओ ब्लू कार्ड, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है हमें। ओके तो यहाँ पर वो फिर से अपना वैनिश रिस्टोर करने पर लगा हुआ था भाई, ये क्या था मतलब। ओके तो यहाँ फिर से हम दोबारा कैच नहीं कर पाए, इस बार हमने भी काफ़ी पेशेंस से वेट किया, और मैं अपने पर्पल वाले को नहीं जा सकता क्योंकि यार कोई डैमेज नहीं होगा और दिक्कत आ सकती है, अगर वो कैच कर लेता तो मैं साथ फिनिश भी कर सकता था, तो इसलिए मैं नहीं गया वहाँ पर। ओके ओके अगर वो समथिंग ओके आई थिंक उसने डॉच कर लिया। ओके ओके तो काफ़ी पिटाई हो चुकी है हमारी वैसे तो, देखते हैं उसने राइजिंग रश फॉर्म कर लिया तो पक्का इसी को राइजिंग रश करेगा। ओके नाइस, तो राइजिंग रश के लिए नहीं गया, देखते हैं इसके थ्रू जाता है राइजिंग रश के लिए, नहीं गया। ओके 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 तो लकी यस अभी तक उसने राइजिंग रश नहीं किया है। ओके ग्रीन कार्ड से थोड़ी पहले HP रिस्टोर करते हैं। ओके नाइस, ओके यहाँ मैं यही वेट कर रहा था कि इस तरह की कुछ हरकत करे, देखते हैं कितना ये डैमेज देता है। ओके ओके काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी डिसेंट है, वही मैं कह रहा था ज़्यादा उम्मीद अभी नहीं कर सकते हम इससे। ओके तो भाई साहब प्लीज़ इसको ख़त्म मत करना भाई, प्लीज़ 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 इसको नहीं ख़त्म करना। ओके यार इसने अल्ट कर दिया, आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगा। और लाइट देखते हैं देखते हैं, ओके सरवाइव कर गया भाई, मैं ये कहूँगा बहुत ही सही है, 2 स्टार पर अगर ये टैंक कर गया तो बहुत ही सही यूनिट है, बहुत ही गजब का यूनिट है फिर। ओके ओ भाई तुरंत गया, मुझे लगा यार साइड स्टेप के लिए जाएगा, बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा था, हम थोड़ा खराब काफ़ी खराब गेम प्ले हुआ इस वाले मैच में। ओके 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 ब्लू कार्ड अगर इसके पास होगा तो ये काम करता है। ओके राइजिंग रश, ओके आई विल टेक इट भाई, इसको ले जा तो इसको ले जा, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अगर गेस कर लिया तो आई थिंक स्ट्राइक का, क्योंकि उसने अभी ग्रीन और ब्लू किया था। ओके ओके नाइस, तो ये चीज़ हम काफ़ी हमारे अच्छे फेवर में आ गई है, क्योंकि एक तो हमारा ग्रीन यूनिट था। ओके नाइस, तो हमने इसको साइड स्टेप पर भी यहाँ कैच कर लिया, अब वो चेंज भी करेगा तो नहीं कुछ कर सकता क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट सब ब्लास्ट कार्ड ही थे। ओके तो यहाँ पर आई थिंक ये फिनिश कर दूंगा मैं इसको, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कि हमारा पर्पल वाला जो ब्रॉली है वो थोड़ा सुरक्षित हो गया यहाँ पर। ओह साइड स्टेप ले गया था लेकिन वो फिर दोबारा गया टेक ले, तो हमारे फेवर में हो गया। ओके नाइस, तो हम इसको कॉम्बो नहीं कर सकते। ओके 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 नहीं यार शिट, थोड़ी सी गर्व मिस कैलकुलेशन हो गई। ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक ये ब्रॉली को फिनिश कर देगा इस बार। ओके ओके नाइस, नहीं नहीं कर पाया, तो हम तुरंत अपने बॉट डॉक में जाते हैं। ओके चेंज ब्रॉली, ओके नाइस, अब मजा आएगा, देखते हैं कि क्या इसको क्रिट बफ मिलता है। तो ठीक है अभी मतलब मैं वही कहूँगा कि डिसेंट है, मतलब वो ताबड़तोड़ वाली क्रिट बफ नहीं है, लेकिन इसको मैं राइजिंग रश करता हूँ, बस होप करते हैं कि ये हमारा गेस ना कर ले जैसे कि हमने उसका गेस कर लिया था। लेट्स गो फॉर ब्लू कार्ड, ओके गेस मत करना भाई, जैसे करनी वैसी बननी वाली सिस्टम हो गई, तो भाई उसने मेरा गेस किया,
मैंने उसका गेस कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अभी भी यहाँ से हम एक कॉम्बो शो कर सकते हैं, देखते हैं इसको एक बार साइड स्टेप पे कैच कर सकते हैं कि नहीं। ओके नाइस, तो यहाँ पर हमें परफेक्ट बैनिश मिल गई। ओके तो ये थोड़ा अच्छा, अब आ गई थोड़ी सी क्रिएट बफ। वैसे भी बार्डा का क्रिएट बफ के 15 सेकेंड के लिए ही रहता, तो अब ज़्यादा आई थिंक अब डैमेज इसका न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पर मैं उसको अपने अल्ट से फिनिश कर दूंगा, भाई रिक्स नहीं लेने का, देखते हैं इसको मारने देता है या फिर। ओके नाइस, तो सही डिसीजन था वैसे मैं ये बोलूँ तो। उसके पास 0 एचपी थी, उसके पास थोड़ी एचपी थी भी, तो ये सही था। इससे मेरे परफेक्ट मेरा वैनिशिंग आ जाएगा वापस। ओके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 नाइस, तो यहाँ मैच जीत गए हैं। अब मैं इसके ब्लू कार्ड से इसको फिनिश करते हैं मैच को। तो गाइस इस वीडियो में बस यही था, मैं इसकी एक और वीडियो जरूर लाऊंगा जैसे मैं इसको हाई और स्टार रैंक पे जाऊंगा, तो मैं एक और वीडियो जरूर लाऊंगा। तो यार प्लीज़ यार उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, डू सपोर्ट यार मिस्टर लेजेंड्स एंडी, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार। तो लास्ट मैच आप देख रहे हो कि हमारा जो लास्ट मैच अगेंस्ट फ्यूचर है, और बंदे के पास काफ़ी अच्छी टीम दिख रही है, बट बस वही चीज़ है कि अब देखते हैं कि इस टीम के खिलाफ भी, क्योंकि वो गोहान तो लाएगा ही लाएगा जैसे मुझे पता था। तो अगर ये पहली प्रायोरिटी हमें यहाँ मिल गई है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा तुरंत ब्रॉली के लिए, देखते हैं। ओके नाइस, तो वो उसको लाया अभी, आई थिंक वो गोहान लाएगा, मैं कॉम्बो ड्रॉप करूँगा। नाइस, तो उसके बाद ठीक है यार, मतलब सन फैमिली के खिलाफ इसका आपको पता है कि 30% एक्स्ट्रा डैमेज जो है वो काम कर रहा है, और क्रिट भी काम कर रहा है, तो ये सही है। तो असली मजा तब आएगा गाइस जब इसको मैं स्टेमिना स्टार से ऊपर करूँगा, तब मजा आएगा, अभी तो उतना खास मज़ा नहीं आएगा। ओके नाइस, तो फिर से हमने इसको कैच कर लिया यहाँ पर। ओके नाइस नाइस नाइस, ओके नाइस, ओके देखते हैं इसको फिर, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर को उसका ब्लू कार्ड बहुत ही लॉन्ग रेंज वाला नहीं है, शॉर्ट रेंज वाला है। परफेक्ट बैनिश मिल जाएगा इस बंदे को, ना तो बहुत ही पिटाई होने वाली है। ओके नाइस, ओके डॉज कर सकता हूँ शायद, भाई मैं डॉज कर सकता था आई गेस यार, पता नहीं डॉज क्यों नहीं किया, मैंने स्वाइप किया था, साथ मेरा स्क्रीन का टच काम नहीं किया, और भाई लेट हो गया स्वाइप करने में, नहीं तो यहाँ पर उसको ब्लू कार्ड करता मैं। लेकिन यहाँ पर हमने उसको कैच कर लिया, भाई क्या ही सेटिंग गड़बड़ हो रही है फ़ोन की, क्या हो रहा है ये। ओ यार 899992, ओ भाई यार फ़ोन की फॉल्ट है यार, क्या दब जा रहा है बार बार स्क्रीन, क्योंकि मेरे फुल गेस्चर लगाया हुआ, तो मैंने स्वाइप किया तो ये फॉरफिट स्क्रीन, कई बार हो चुका है मेरे साथ यार मैच के बीच में हो जाता है ये कभी कभी। फिनिश मत कर देना भाई, भाई शोकेस यूरिटे प्लीज, सो फिनिश नहीं करना। ओके नाइस, तो यहाँ पर उसने कॉम्बो ब्रेक किया, यहाँ पर मैं डॉज करूँगा, मैं रिक्स नहीं लूँगा वहाँ वेट करने का, क्योंकि यार उसको फिनिश कर सकता है अपने अल्ट से, या फिर एक वन शॉट भी कर सकता है। ओके नाइस, ओके अरे अब मेरा अगर गोजीटा जाता तो मैं इसके यूनिट को फिनिश कर देता, बट गोजीटा भी टाइम पे आ नहीं पाएगा, और मेरा कार्ड लॉक भी है, आई थिंक मैं डॉज कर लूँगा इसको। नाइस, ओ नाइस तुरंत गया, ये चीज़ अच्छी थी, साइड स्टेप या फिर उसके लिए नहीं गया, टैप ऑफ के लिए अगर जाता तो फिर मैं अपने अल्ट के लिए जाता। ओके नाइस, ओके तो भाई आई थिंक मेरे को फिनिश कर देगा अगर इसके पास अल्ट होगा, अपना वर्ल्ड यूज़ करेगा तो, आई थिंक कोई तो मेरा एक मिनट मरेगा, आई थिंक कोई ना कोई तो मरेगा। ओके नाइस, चलो देखते हैं इसको टैंक कर पाता है नहीं कर पाता है, एक बार इसका भी टेस्ट हो जाएगा कि ये ब्रॉडी टैंक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ओके ओ भाई सॉरी ब्रॉली, शहीद हो गया यार, मुझे नहीं करना चाहिए था सोकी स्विंट के साथ, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे यार ये क्या सीन हो गया, चलो ठीक है ये भी ठीक है अपने फेवर में, आप नहीं करना चाहिए था यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। ओके ओके अगर एक कार्ड होता तो या फिर मैं और कॉम्बो कर लेता अपना, मैं तब गोजीटा भी आ जाता। ओके ओके नाइस, ओके तो मैं तुरंत गोजीटा के लिए जाता हूँ, देखते हैं कुछ किसी चीज़ के लिए जाएगा, ब्लास्ट या अटैक के लिए तो काम हो जाए। ओके नाइस, तो आई थिंक फिनिश है ये फिनिश है, नाइस ओके 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 तो ये भी फिनिश है, क्योंकि ये अगर देखते हैं किसको बचाता है, मैं राइजिंग रशी कर देता कर देना चाहिए था मुझे पहले स्टार्टिंग पे, आई थिंक वो सेक्रीफाइस कर देगा अपने गोहान को इस पर, जो कि एक अच्छा डिसीजन भी है, गोहान कम बैक नहीं कर सकता था अगेंस्ट मेरे गोजीटा, तो ये अच्छा डिसीजन है। ओके 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 और अच्छा डिसीजन भी है क्योंकि गैस भी कर लिया बंदे ने, आज गैस बहुत होते हैं यार मेरे राइजिंग रश। चल भाई तू पहले जाए यहाँ से। ओके 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 टाइमर खत्म हो गया। ओके नाइस साइड स्टेप नाइस। तो ये आज की वीडियो में बस यही था गाइस, आपने सब कुछ देख लिया कि बंदा कितना अच्छा है, टैंक करता कितने ऑफेंस इतने अच्छे हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।